For more exciting videos, click on subscribe, press the bell icon, and never miss an update from Abhinidhi's World. Hi friends, welcome to Abhinidhi's World. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोभी परांठा की रेसिपी. आप कहेंगे गोभी परांठा में क्या नया है, तो आज हम इसे डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे जिससे ये बनेंगे क्रिस्पी और लेयर वाले. देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये. और आइए अब नोट करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स. तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप नोट कर सकते हैं. तो आइए परांठे का आटा तैयार करते हैं. तो इस परांठे को क्रिस्पी बनाने के लिए हम आटे में डाल रहे हैं करीब 2 चम्मच घी, और अब इसमें थोड़ा सा नमक, और अब इसे एक नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे. तो हमारा आटा तैयार है. हम इसे ढक के कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे. और गोभी को हम धो के अच्छे से उसका पानी सुखा लेंगे और चेक करेंगे कि उसमें कोई कीड़ा ना हो. अब हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे. तो करीब 15 मिनट के बाद हमारा आटा तैयार है. और आइए अब हम बना लेते हैं परांठे की स्टफिंग. तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली. और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर. इसी तरह अब हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्तियाँ. हम यहाँ बहुत सारा धनिया यूज़ कर रहे हैं और इसे इसी तरह धीरे धीरे डालेंगे. और अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर. और थोड़ी अजवाइन. साथ में हम यहाँ डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर. और फाइनली स्वाद अनुसार नमक. तो फ्रेंड्स, काफी स्लो मोशन हो गया. अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे. और हम अजवाइन का यूज इस मिक्सचर में इसलिए करते हैं ताकि ये परांठे हैवी ना हो. और आप चाहें तो इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं. तो अब हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है. तो आइए बनाते हैं परांठे. तो सबसे पहले हमें 2 बहुत ही पतली चपातियां बेल लेनी है. ये हो गई एक चपाती, और इसी टाइप से हम दूसरी चपाती भी बेल लेंगे. तो अब हम एक चपाती पे एक जनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग स्प्रेड कर लेंगे, और पानी का हेल्प से हम दूसरी चपाती इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से हर साइड से बाइंड कर लेंगे. सो वी शुड मेक श्योर कि ये परांठा हर साइड से अच्छे से सील हो जाए. तो अब हम इसे एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल के साथ शैलो फ्राई करेंगे. आप देख सकते हैं इसमें जो लेयर्स बनी हैं. और अब हमारा परांठा अच्छे से कुक हो गया है. अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे और एक कटर की हेल्प से इसे 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे.
तो आप देख सकते हैं यहाँ फिलिंग कितनी सही लग रही है और ये कितना क्रिस्पी बना है। तो अब हमारा ये क्रिस्पी गोभी पराठा तैयार है, आप इसे सर्व करें दही के साथ। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये क्रिस्पी गोभी पराठा कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।